हेलो चिल्ड्रेन, आई एम हियर विद द समरी ऑफ द लेसन चिट्ठियों की अनूठी दुनिया विच इज ऑन पेज 23। सो हाउ डू यू सेंड मैसेजेस, आप किसी को संदेश कैसे भेजते हैं? SMS, यू यूज फोन्स, या फिर आप इंटरनेट में ईमेल करते हैं। बट देयर वॉज अ टाइम जब हम पत्र लिखकर चिट्ठियां भेजते थे, चिट्ठियां एक जगह से दूसरे जगह भेजते थे। ये थी चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इट इज अ यूनिक वर्ल्ड ऑफ लेटर्स एंड वी विल गो थ्रू इट। फर्स्ट लेट अस सी द माइंड मैप ऑफ द लेसन। चिट्ठी, दैट इज लेटर इन हिंदी वी कॉल चिट्ठी, इन अदर लैंग्वेजेस इट इज कॉल्ड इन डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नाम है। कन्नड़ में इसे कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं और संस्कृत में पत्र कहते हैं। सो द नेम्स ऑफ लेटर इज डिफरेंट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट द फीलिंग्स इट ब्रिंग्स इन पीपल्स लाइफ, इसके जो भाव, इसका जो मतलब है, वो हर भाषा में समान है, एक समान। इट इज द सेम, द फीलिंग्स इट ब्रिंग्स इन पीपल्स लाइफ। चिट्ठी लिखना एक कला है, इट इज़ एन आर्ट। डिफरेंट पीपल राइट लेटर्स, दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग लेटर्स, इट इज़ एन आर्ट। सो इस पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए, टू इम्प्रूव द कल्चर ऑफ राइटिंग लेटर्स, इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द करिकुलम, स्कूल करिकुलम, पाठ्यक्रम, जो स्कूल की जो पाठ्यक्रम है उसमें पत्र लेखन को शामिल किया गया है। और विश्व डाक संघ, वर्ल्ड पोस्टल एसोसिएशन ऑल्सो हैज स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिशन्स, लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन्स अंडर द एज ऑफ 16 सिंस 1972। 1972 से जो विश्व डाक संघ है वो प्रतियोगिता आयोजित करती है फॉर 16 साल की उम्र से नीचे वाले बच्चों के लिए। सो दे विल गेट प्राइजेस फॉर दैट। और पत्र हम सहेज कर रख सकते हैं, वी कैन प्रिजर्व लेटर्स, बट कैन यू प्रिजर्व SMS एंड अदर ईमेल्स? यस यू कैन, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज दीज लेटर्स लॉन्ग अगो, विच वर रिटन लॉन्ग अगो, आर प्रिजर्व्ड एंड नाउ दे आर फॉर्म्ड इनटू बुक्स। So the letters, like the letters from a father to a daughter written, so those letters which Jawaharlal Nehru, Pandit Jawaharlal Nehru wrote to Indira Gandhi ji, those letters are written in that book. So many books are there which are written on letters. And people everywhere wait for letters, especially in the villages, even today. Iski bahut ahmiyat hai. Letters have great importance in people's life, even when they are staying in remote areas. दुर्गम स्थानों में जहाँ रह रहे हैं उनके लिए तो पत्र बहुत ही अहमियत रखते हैं। वो इंतज़ार करते रहते हैं अपने बच्चों का पत्र मिलने के लिए, मनी ऑर्डर का पत्र प्राप्त करने के लिए। सो नाउ लेट अस गो सम मोर इनटू दिस लेसन। सो देर हैजंट बीन अ पर्सन हु हैजंट रिटन लेटर। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने कभी ना कभी एक पत्र किसी को लिखा हो या किसी से लिखवाया हो। एंड महात्मा गांधी, आई वुड लाइक टू टच ऑन दैट, महात्मा गांधी एज इट इज रिटन इन दिस लेसन, ही यूज टू रिसीव लेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर से महात्मा गांधी इंडिया के पता, ऐसा पता उसके साथ आता था। और वो लेटर, वो जो पत्र है, जो चिट्ठी है, महात्मा गांधी तक पहुंच जाती थी। बस पते में आपको महात्मा गांधी इंडिया इतना लिखना है और वो महात्मा गांधी तक जी तक पहुंच जाता था। और एंड महात्मा गांधी जी यूज़ टू रिप्लाई प्रॉम्प्टली ईच एंड एवरी लेटर। एज सून एज ही यूज़ टू रिसीव अ लेटर, ही यूज़ टू स्टार्ट राइटिंग द रिप्लाई। एंड व्हेन हिज राइट हैंड यूज़ टू गेट टायर्ड, उनका दायां हाथ जब थक जाता था तो अपने बायां हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। और वी कैन
प्रिजर्व दीज लेटर्स, जो लेटर्स हैं, जो पत्र हैं, हम उसको सहेज कर रख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा SMS के साथ नहीं कर सकते. सो वॉट डिड वी लर्न चिल्ड्रन? दैट वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग लेटर्स. तमाम सरकारी विभागों में अगर हम तुलना करें, इफ़ वी कंपेयर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, जो डाक का विभाग है, उसको सबसे ज़्यादा गुडविल है, प्राप्त है. व्हाई? बिकॉज इट जॉइंट्स पीपल. सो दैट वॉज द लेसन, समरी ऑफ द लेसन. स्टडी वेल एंड टेक केयर.